सभी सुधीजनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्या शाखा के अंतर्गत ज्योतिष विभाग में अध्यापक हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम अहरगण का स्वरूप, उसकी आवश्यकता, उपपत्ति इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से और सरल भाषा में समझेंगे। यह जो हमारा वीडियो है अहरगण के ऊपर, यह दो भागों में प्रसारित हो रहा है। आज हम प्रथम भाग के रूप में अहरगण का स्वरूप इत्यादि समझेंगे। अहरगण के स्वरूप को समझने के लिए हम आर्ष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत एवं गणेश दैवज्ञकृत ग्रह लाघव के उदाहरणों को, उनके सूत्रों को लेंगे। सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि वेद मूलक काल विधायक ज्योतिष शास्त्र का आद्य प्रयोजन गणितीय प्रक्रिया द्वारा ग्रह स्पष्टीकरण है। यद्यपि वेद यंत्रों की सहायता से ग्रहों के प्रत्यक्ष वेद के द्वारा भी स्पष्ट ग्रहानयन किया जा सकता है, परंतु ग्रह वेद की यह प्रक्रिया साधन में क्लिष्ट एवं दीर्घकालिक होने के कारण सहज प्रतीत नहीं होती। वेद प्रक्रिया के अनुकूल वातावरण सर्वदा न होने एवं सभी स्थानों से वेद प्रक्रिया संपादित न हो सकने के कारण गणितीय प्रक्रिया का विशेष महत्व है। गणितीय प्रक्रिया से ग्रह स्पष्टीकरण का आद्य सोपान अहरगण साधन ही है। वस्तुतः ग्रह स्पष्टीकरण इष्ट दिवसाभिप्रायिक होता है एवं सृष्ट्यादि, युगादि या अभिष्ट सक से इष्ट दिवस पर्यंत दिनों का समूह ही अहरगण पदवाच्य है। जैसा कि अहरगण पद की शाब्दिक व्युत्पत्ति से स्पष्ट होता है कि अहनाम दिनानाम गढ़ अहरगण इति। स्पष्ट ग्रह साधनार्थ सर्वप्रथम मध्यम ग्रहणानयन हेतु अहरगण साधन अनिवार्य है और ज्योतिष शास्त्र में प्रतिपादित नवविध कालमानों के अंतर्गत दिन रात्रि के विभाजन क्रम से वर्णित होने के कारण अहरगण को हम चार प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं। वह चार प्रकार कौन कौन से हैं? यथा सौर अहरगण, चांद्र अहरगण, नक्षत्र अहरगण तथा सावन अहरगण। मानवीय काल व्यवहार हेतु उपयुक्त चारों मान उपयुक्त हैं। जैसा कि आचार्य भास्कर ने स्वप्रणीत ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में संकेत किया है कि मानस चतुर्भिर व्यवहार वृत्ते, तथापि चारों मानों में से सावन मान के प्रत्यक्ष बोधगम्य एवं व्यवहार सिद्ध होने से सावन दिनों के समूहों को ही आचार्यों ने अहरगण के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के मध्यवर्ती काल विशेष की संज्ञा सावन दिन होने से तथा इसके कारण दिनारंभ एवं दिवस का अवसान दोनों पक्ष प्रत्यक्ष होने के कारण सावन दिन गणना सरलतम हो जाता है। यथा उदयाद उदयम भानोर भूमि सावन वासरह। तो अहरगण साधन की प्रक्रिया वर्णन के समय ग्रंथों में सावन अहरगण पद का वर्णन प्राप्त होता है। अहरगण साधन के प्रसंग में सूर्य सिद्धांती एवं ग्रहलाघवीय मतानुसार अहरगण की प्रक्रिया उपपत्ति यहां प्रतिपादित की जा रही है। सर्वप्रथम हम सूर्य सिद्धांतीय अहरगण के स्वरूप को देखेंगे। जैसा कि सूर्य सिद्धांत में अहरगण का श्लोक आचार्यों ने कहा है कि अत ऊर्ध्वमी युक्ता गत कालाब्ध संख्या मासी कृता युता मासैर मधुशुक्लादिभिर्गतई पृथक स्थास्थे धिमासघना सूर्यमास विभाजिता लब्धाधिमास कैर युक्ता दिनी कृत्य दिनान्विता दुष्टास्तिथि क्षयाभ्यस्ताश चांद्रवासर भाजिता लब्धोन रात्रिरहिता लंकायाम आर्धरात्रिका सामनो द्विगुणः। आर्ष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में यह जो अहरगण है वह लंका देशीय आर्धकालिक साधन किया जाता है। इसकी उपपत्ति सहित प्रक्रिया आगे हम चर्चा करेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है। सर्वप्रथम सूर्य सिद्धांत मतानुसार हम सृष्ट्यादि से वर्तमान दिवस पर्यंत अहरगण साधन के क्रम में गणना सौविध्य हेतु वर्तमान महायुग के कृतयुगांतगत सौर वर्षों का समूह सूर्य सिद्धांत में पठित है। यह सौर वर्ष संख्या में 1,95,37,20,000 है। कृतयुग के अनंतर त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलयुग के गत सौर वर्षों का समूह का योग पूर्व पठित संख्या में करने पर सृष्ट्यादि से इष्टकाल पर्यंत सौर वर्षों की संख्या प्राप्त होती है। आनीत सौर वर्षों की संख्या को 12 से गुणा कर प्राप्त मासों में वर्तमान वर्ष के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ कर इष्टकाल पर्यंत
गत चांद्र मासों का योग किया जाता है। प्राप्त संख्या को हम दो स्थानों पर स्थापित कर प्रथम स्थान में महायुगी अधिमास संख्या से गुणाकर महायुगी सौर मास संख्या से विभाजित करने पर जो हमें लब्धि प्राप्त होती है वह शिष्ट्यादि से इष्ट काल पर्यंत गताधिमासों की संख्या होती है। यह गताधिमास लब्धि जो है वह द्वितीय स्थान पर स्थापित संख्या में जोड़ने पर शिष्ट्यादि से अभीष्ट काल पर्यंत तक गत चांद्रमास हो जाते हैं। इस संख्या को जब हम 30 से गुणा करते हैं तब वह चांद्र दिवस अर्थात तिथियां प्राप्त हो जाती हैं, वो तिथियों में परिणित हो जाता है। तिथियों में इष्ट काल पर्यंत वर्तमान मास की जितनी गत तिथियां हैं उनका योग करने पर शिष्ट्यादि से वर्तमान काल पर्यंत गत तिथियां प्राप्त होती हैं। इन तिथियों को भी हम पुनः दो स्थानों पर स्थापित कर देते हैं। प्रथम स्थानस्थ संख्या को महायुगीय अवम मतलब जो छह तिथि होती है उसको हम अवम कहते हैं। तिथियों के मान से संगुणित कर गुणनफल में महायुगी तिथि संख्या से भाग देने पर प्राप्त लब्धि ही सृष्ट्यादि काल से वर्तमान काल पर्यंत गत क्षय तिथियों की संख्या होती है। प्राप्त संख्या को द्वितीय स्थान पर स्थापित संख्या में से घटाने पर जो शेष बचता है वही लंकादेशी अर्धरात्रि काल पर्यंत गत सावन दिनात्मक अहरगणमान होता है। अब इसकी उपपत्ति पर हम ध्यान दें तो किसी भी ग्रह की वर्तमान दिवसाभिप्राय खगोलीय स्थिति का ज्ञान करने के लिए हमें अहरगण ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल गणना की परंपरा में वर्ष का मान सौर मानाभिप्राय निर्दिष्ट किया गया है, जैसा कि पठित भगड़ादि आदि के रूप में स्पष्ट भी है। द्वादश सौर मासों का समूह सौर वर्ष संज्ञक होने से गत सौर वर्ष संख्या को सौर मास में परिवर्तित करने के लिए 12 से गुणा किया जाता है। इसी प्रकार अभीष्ट वर्षारंभ यानी मेष संक्रांति दिवस जो है अभिष्ट वर्षारंभ कालिक गत सौर मास प्राप्त होते हैं। इस संख्या में चैत्र आदि से गत चांद्र मास तुल्य सौर मास योजित करने पर अभिष्ट संक्रांति पर्यंत सौर मास होते हैं। मास गणना चांद्र अभिप्रायिक होती है परंतु चांद्र तुल सौर मास यहां जोड़ने से चांद्र मासों का अंतर जो होता है वह अधिशेष होता है और वह युत हो जाता है। सौर मासों को चांद्र मासों में परिणत करने के लिए सौर चांद्र मासांतर रूप जो है वह अधिमास के रूप में त्रयराशि का अनुपात किया जाता है। यदि पठित युग सौर मासों में युगाधिमास प्राप्त होते हैं तो इष्ट सौर मासों में क्या मिलेंगे। अनुपात से जो प्राप्त लब्धि है वह निरवयव इष्टाधिमासों को तो सौर मास संख्या में योजित कर दिया जाता है परंतु शेष रूप अवयव अर्थात अधिशेष का यहाँ त्याग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व में ही चांद्र मास तुल्य सौर मास जोड़ते समय इस अधिशेष का मान भी युत हो चुका है। इसलिए एक अनुपात के तहत क्रम में हम प्रथम अनुपात देखते हैं कि जब युग सौर मास में युगाधिमास मिलता है तो इष्ट सौर मास में क्या, तो इष्टाधिमास। इस प्रकार दर्शांतकालिक इष्ट चांद्र मासों का समूह प्राप्त होता है। इन चांद्र मासों को 30 से गुणा करने पर चांद्र दिवस अर्थात तिथियां प्राप्त हो जाती हैं। इन तिथियों में दर्शांत से इष्ट दिवस पर्यंत गत तिथियों का योग करने पर गत तिथि पर्यंत तिथि समूह प्राप्त होता है। चूंकि सैद्धांतिक परंपरा में दिन गणना संबंधित मान सावन ही निर्देशित करता है एवं हमारा अभीष्ट भी सावन अहरगण है, अतः प्राप्त गतिविधियों को सावन दिवसों में परिवर्तित करने हेतु पुनः त्रयराशि का अनुपात किया जाता है। यदि पठित युग चांद्र दिवसों में युग अवम प्राप्त होते हैं तो इष्ट चांद्र दिवसों में क्या प्राप्त होंगे, इसका अनुपात हम देखते हैं कि यदि युग चांद्र दिवस में युग अवम तो इष्ट चांद्र दिवस में क्या, तो इष्ट अवम। अनुपात से प्राप्त लब्धि रूप सावन अवम को चांद्र दिवसों में से जब हम अलग करते हैं व्युत करते हैं तो तिथ्यंतकालिक सावन दिवसों की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि चांद्र दिवसों एवं सावन दिवसों का जो अंतर है वही अवम दिन होता है। अवयवों के साथ अवम दिवसों के संस्कार से एक विप्रतिपत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। वह इसलिए क्योंकि प्राप्त अहरगण सावन माना भी प्रायिक होता है तथा सावन दिवस का मान एक सूर्योदय से अपर सूर्योदय पर्यंत होता है, जैसा कि पूर्व में पढ़ा गया है उदयात उदयम भानो भूमि सावन वासरा या इनो द्वयत द्वयांतरम तदर्क सावनम दिनम, परंतु अवम शेष का संस्कार कर देने पर यह अहरगण तिथ्यंतकालिक हो जाता है। यद्यपि हमारा अभिष्ट सावन मान संबंधित होने से सूर्योदय कालिक होता है, अतः
प्राप्त अवम शेष का त्याग कर दिया जाता है, और यह जो अहरगण हमें प्राप्त होता है वह लंकार्थकालिक प्राप्त होता है। तो आज हमने अहरगण के स्वरूप को जाना, अहरगण के प्रकार को जाना, हम किन किस प्रकार के अहरगण को अपने प्रयोग में लेते हैं, इसके बारे में चर्चा की। अहरगण के चर्चा के क्रम में हमने सूर्य सिद्धांत के अहरगण की प्रक्रिया एवं उपपत्ति के बारे में जाना। अब हम यह जान सकते हैं कि अहरगण नाम का यह अवयव क्या है, अहरगण कितने प्रकार का होता है, अहरगण को हम कैसे सूर्य सिद्धांत की दृष्टि से साधन कर सकते हैं, और वह जो अहरगण प्राप्त हुआ वह लंकार्थकालिक प्राप्त हुआ या अभीष्ट प्राप्त हुआ, इस पर भी हम अपनी स्वबुद्धिमत्ता से जान सकते हैं। इसके अगले भाग में हम अहरगण के स्वरूप के साथ ही ग्रहलाघव में प्रयुक्त अहरगण साधन की प्रक्रिया, उसके सूत्र एवं जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहलाघव एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे ग्रहों के स्पष्टीकरण को लघु कर देता है, बहुत ही कम समय में कर देता है, तो हम ग्रहलाघव से अहरगण की प्रक्रिया एवं उसके साधन को अपने वीडियो के द्वितीय भाग में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।